स्पाइडरमैन स्पाइडरमैन दोस्तों एमसीयू की जो अगली फिल्म आ रही है आफ्टर एवेंजर्स एंड गेम वो आ रही है स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम। इस फिल्म में मिस्टर टॉम हॉलैंड है जो कि हमारे फेवरेट सुपर हीरो में से एक है यानी कि स्पाइडरमैन बने हैं और इस फिल्म में जेक जालनहॉल भी हैं जो कि मिस्टीरियो का कैरेक्टर पोर्ट्रे कर रहे हैं। अब रिसेंटली क्या हुआ, एक फैन मीट के दौरान हमारे जो स्पाइडरमैन है, एक्चुअली स्पाइडरमैन नहीं स्पॉइलरमैन कह सकते हैं, ये स्पॉइलर देते देते चूक गए और एक फैन ने इनका मुंह बंद करा दिया। बताना चाहता हूं दोस्तों आपको बड़ा ही फनी किस्सा। यहां पर हमारे जो टॉम हॉलैंड है, हम सब जानते हैं कि वो बहुत ज्यादा स्पॉइलर देते हैं। अच्छा वो उन्हें एंड गेम में मतलब उनके ही सीन्स बताए गए थे, वरना वो हमें ये भी बता देते कि टोनी स्टार्क जी लास्ट में मरने वाले हैं। सो ऐसे में आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि किस तरीके से यहां पर वो अभी बाली पहुंचे हैं इंडोनेशिया, यहां पर वो फिल्म को प्रमोट कर रहे हैं। तो उसी प्रमोशन के दौरान वो बोलने लगे कि स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम में मिस्टीरियो मेरा सबसे बेहतरीन दोस्त बन चुका है और हम दोनों मिलकर एलिमेंटल क्रिएचर्स को मार रहे हैं, उनको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं और साथ ही साथ ये जो सब डायमेंशन प्लॉट बना है ये थानोस उसके स्नैप के बाद बना है। इतने में एक फैन उन्हें इंटरप्ट कर देते हैं, अरे आप तो स्पॉइलर दे रहे हैं, और वो चुप हो जाते हैं। फिर उसके बाद दोस्तों जब ये सारी चीजें हो जाती हैं वो बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर देते हैं। इसी दौरान जब बात कर रहे थे वो स्पॉइलर दे रहे थे, इतने में ही दोस्तों एक फैन रोकता है उन्हें और फिर उसके बाद वो सडनली टॉपिक चेंज कर देते हैं। फिर उनसे अगले क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपका फेवरेट सूट कौन सा है और शूटिंग एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो ऐसे में लास्ट में हमारे टॉम हॉलैंड बोलते हैं आई लव यू 3000। जी हाँ दोस्तों आपको बताना चाहता हूं कि लास्ट में फैन मीट के दौरान वो इस तरीके से अपने फैंस को कहते हैं आई लव यू 3000 और उसके बाद वो वहां से चले जाते हैं। सो भाई यहां पर हमारे स्पॉइलर मैन ने स्पॉइलर देते देते हमको कहीं ना कहीं थोड़ा सा हिंट देने वाले थे, बट वो तो अच्छा है भला उस फैन का जो कि उनकी स्टोरी रिवील नहीं कर रहे थे। अब ऐसे में आपको क्या है कहना इस दिलचस्प किस्से को लेकर और स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम के लिए आप लोग कितने एक्साइटेड हैं, कमेंट सेक्शन में जाएं मुझे जरूर बताएं।